वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूपो प्यारी साध संगत, तुसी देख रहे हो दा पंजाब लाइव। अज आपां महत्वपूर्ण विषय ते सांझ पाउणी है। विषय है कि अमीर बनन दे पंज गुप्त रहस, जो बहुते कामयाब लोग साडे नाल कदे सांझे नहीं करदे, ओह सानू कदे नहीं दसदे। अज आपां तरतीबवार इन्हां पंजां ते गलबात करनी है। इस करके इस वीडियो नूं अंत तक जरूर सुनियो। जेकर वीडियो चंगी लगे, पसंद आवे तां दोस्तां मित्रां दे नाल सांझी वी जरूर करियो। हुण आपां आउणे आं अज दे विशे ते। सानूं पता है अज दी जिहड़ी जिंदगी है, अज दी जिहड़ी दुनिया है, उहदे विच पैसा सब तो प्राइमरी चीज़ बन गया है, सब तो जरूरी वस्तु बन गया है। कुछ भी करना है, किसी ने किसी भी काम बारे उहदे विचार ने, काम बारे छड्डो, दोस्तियां रिश्तेदारियां, इन्हां दे विच भी अजकल पैसा आ गया है। जिस इंसान कोले पैसा वध होवेगा, उसके दोस्त वध होणगे, रिश्तेदार वध होणगे, ते जिहदी जेब खाली होवेगी वह विचारा कल्ला खड़ा नजर आवेगा। इस करके अजकल जिन्ना जरूरी किसी नूं पानी पीना है, जिन्ना जरूरी किसी लिए आक्सीजन लेना है, हवा लेना है, उन्ना ही जरूरी कितने ना कितने धन बन गया है, पैसा बन गया है। हालांकि ये माड़े लोगों की मानसिकता दर्शाता है, पर फिर भी जिस तरीके की अजकल लोड़ बन गई है, जिस तरीके की अजकल दुनिया है, वो मुताबक समर्था मुताबक पैसा होना जरूरी है। ये नहीं कि पैसा इकट्ठा कर करके ढेर ला लो तो होर कोई कमाई तुहाडे कोल ना होवे, ना नाम की कमाई होवे, ना इमानदारी होवे, ये गलत है, पर लोड़ मुताबक होना बड़ा जरूरी है। सो आओ अज दे विषय ते आपां सांझ पाउंदे हां। सब तो पहली चीज जिहड़ा सब तो पहला रहस है, वह यह है कि जेकर असीं अमीर होना है तो सानू विश्वास होवे अपने आप ते। अपनी सोच इस तरह होवे कि हाँ मैं अमीर बन गया। एक किताब है द सीक्रेट, पहला भी कई बार जिक्र किया है, उहदे विच लिखिया कि जो असीं सोचते हाँ वह असीं कर सकते हाँ, तो सच विच हो जाता है। इस करके हमेशा सकारात्मकता वाली सोच रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। जिहड़ा काम करना है वह साडी सोच दे विच होना बड़ा जरूरी है। जे आपां सोचना ना कि आपां बहुत अमीर बन गए हाँ तो अपने आप अमीरी साढ़े कोले आ जाएगी। हाँ, सानू हथी काम भी करना पवेगा, मेहनत भी करनी पवेगी, तो नाल दी नाल दिमाग भी ला के रखना पवेगा कि हाँ मैं अमीर बन जावांगा, मैं अमीर बन ही गया। इस तरीके की सोच रखांगे, सोच बदलांगे कि साडा भविख बदल जाएगा। जो लोग खुद नू चंगा मानते ने, उत्तम मानते ने, वह सचमुच कदे ना कदे उत्तम हो जाते हैं। जो खुद नू अमीर मानते ने, वह अपने आप अमीर हो जाते हैं। मेहनत जरूरी है, सतगुर सच्चे पातशाह जी का ओट आसरा भी जरूरी है। दूजा वड्डा रहस है कि सानू धन्नवाद करन दी आदत होनी चाहिए है, सानू शुकराना करन दी आदत होनी चाहिए है। सब तो पहला तो आपां नू सवेरे उठ के शुकराना करना चाहिए है मालक दा, सच्चे पातशाह दा, कि हे सच्चे पातशाह मैं एक होर दिन उठ पिया हाँ, तेरी मेहर है, तेरी कृपा है कि तू मैनू एक होर नवा दिन वेखण नू दे दित्ता है। सतगुर सच्चे पातशाह जी तुहाडा कोट कोट धन्नवाद है, तुसीं मेरे ते भरोसा कीता है, मैनू सवासां दी पूंजी बख्शी है। इस तरीके दे नाल जदों असीं उठांगे, सतगुर सच्चे पातशाह जी सानू अपने कलावे दे विच लै लैणगे, गल वकड़ी दे विच लै लैणगे, ते साडे नाल हमेशा चंगा वापरेगा। पर गल की है, लोकी कहिंदे ने कि सुख वेले शुकराना करना चाहिदा है, ते दुख वेले अरदास करनी चाहिदी है, ते हर वेले सिमरन करना चाहिदा है। आपां की करदे आं, आपां सिर्फ एक काम करदे आं, सुख वेले परमात्मा नूं भुल जांदे आं, हर वेले परमात्मा नूं भुल जांदे आं, पर सिर्फ ते सिर्फ दुख वेले आपां परमात्मा नूं चेते करदे आं, उदों अरदास कर लैंदे आं कि सच्चे पातशाह जी मैं फलानी विपता च फस गया, हुण मेरे ते मेहर भरिया हथ रखियो। ये नहीं होना चाहिए, शुकराना बड़ा जरूरी है। सवेरे शुकराना करो, शामी शुकराना करो, सौन लग्या रात नूं जदों भी जी करदा शुकराना कर सकते हैं। कहिंदे ने शुकराना हर वस्तु का करना चाहिए है जिहड़ी सानू कुछ ना कुछ दे रही है। सो शुकराने की भावना रखनी बड़ी जरूरी है। कामयाब इंसानों का यह राज हुंदा है, वह शुकराना करते हैं। इस तो अगला रहस्य की है, तीजा रहस्य, जे आपां कुछ मंगना है ना, आपां सिर्फ ते सिर्फ परमात्मा तो मंगीए, इस कुदरत तो मंगीए। कई लोग कहिंदे सानू मंगना नहीं आउंदा, ये सच्ची गल है, सानू मंगना नहीं आउंदा। असी परमात्मा तो किवें मंगना, की मंगना, सानू पता ही नहीं। कई लोग कहिंदे ने असी किधर नू हथ करके, किधर नू मूंह करके मंगीए। बहुत जायज़ सवाल है, बहुत लोगों नू नहीं पता हुंदा, मेरे वर्गे एवें हवा च टकरा मारदे फिरदे ने, नहीं पता सानू।
सियाने लोग कहिंदे ने कि जो मंगना है सतगुर सच्चे पातशाह जी का वास तो कण कण दे विच है, फिर भी जे आपां पवित्रता अपवित्रता दे कंसैप्ट दे विच जाने आ तो सब तो बेहतर तरीका है सतगुर सच्चे पातशाह जी तो मंगण दा आकाश वल नूं हथ करके आकाश वल नूं मूंह करके मंग सकते हैं। शुकराना भी आप इधर हाथ मूह करके कर सकते हैं। वैसे सानू सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कि शुकराना करना है गुरद्वारा साहब आओ दोवें हाथ जोड़ के शीश झुकाओ गुरु ग्रंथ साहब जी नूं तुहाडा शुकराना प्रवान है। पर जे नहीं जा सकते समा साडे कोल थोड़ा है, वैसे एक समा तो आपां नूं जरूर कढ़ना चाहीदा है गुरद्वारा साहब जाण दा। जे मान लो आपां शुकराना घरे बैठे करना है तो आकाश वल नूं हथ करके मूह करके कर सकते हैं। सो तीजा वड्डा रहस यही है जे मंगना है आपां सतगुरु सच्चे पातशाह जी तो मंगना है, प्रकृति तो भाव कुदरत तो मंगना है, आकाश तो मंगना है, किसी भी दुनियावी इंसान तो आपां कुछ नहीं मंगना। सतगुर सच्चे पातशाह जी आपे साडी बांह फड़नगे, कृपा करनगे, मीर भरिया हाथ साडे सिर ते रखणगे ते सानू भी कामयाब इंसानां दी जिहड़ी लाइन है जिहड़ी गिनती है उहदे विच जाके खड़ा कर देणगे। इस तों अगला आपां चौथे रहस दी गल करदे हां। ये है जी हमेशा औखे समें दे विच अरदास दा सहारा लैणा। कई बार की होंगे असी बहुत वड्डी विपता दे विच फस जांदे आ, समस्या ऐसी आन पैंदी है कि असी आपदा जिहड़ा है जिगरा है जिहड़ा साहस है वह साडा डोल जांदा है, असी बिल्कुल डोल जांदे आ, सानू कोई भी सहारा नहीं लभदा, सानू नहीं पता लगता असी किधर नूं जाना है। उदों इको एक तरीका है उदों सतगुर सच्चे पातशाह जी दे उत्ते आपां भरोसा करना है। उदों आपां की करना है अरदास करनी है ते ए विश्वास नाल करनी है, इस ढंग नाल करनी है कि जदों मैं अरदास करांगा सतगुर सच्चे पातशाह जी ने मेरी विपता दा समस्या दा मुसीबत दा तुरंत हल कर देना है। जदों आपां इस तरीके नाल अरदास करांगे सतगुर सच्चे पातशाह जी अपनी जरूर जिहड़ी समस्या है उहदा हल करदे ही करदे ने। सो इस तरीके नाल आपां अरदास करनी है। दुनियावी किड्डी भी वड्डी समस्या होवे किड्डी भी वड्डी मुसीबत होवे इह नहीं हो सकदा कि उह साडे अगे अड़ जावेगी, उह जरूर हल होवेगी। जरूरत है अरदास सच्ची होवे, मन सच्चा होवे, भरोसा सच्चे पातशाह ते पूरा होवे। अगला रहस पंजवां रहस कमाई नूं करन दे लई अपनी हमेशा सकारात्मकता अप्रोच होनी चाहीदी है, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहीदी है। कमाई दा कोई भी नेक वसीला होवे, नेक मौका मिले आपां नूं कमाई करन दा, नेक कमाई करन दा, दो नंबर ही नहीं। जदों आपां नूं सतगुर सच्चे पातशाह जी ने कोई हीला वसीला दिता है आपां नूं लगदा इत्थों चार पैसे जोड़े जा सकते हैं ते उह जिहड़ा मौका है हथों नहीं जाण देना चाहीदा। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 40-45 ਟੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਆਪੇ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ।